हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक फैन रिक्वेस्ट था कि प्रतीक गांधी का एक पोर्ट्रेट बनाने का। अगर आपको पता नहीं कि प्रतीक गांधी कौन है, जो हर्षद मेहता नाम तो सुना होगा, स्कैम जो सीरीज था हर्षद मेहता, उसका जो कास्ट था उसका नाम था प्रतीक गांधी। तो उसका पोर्ट्रेट आज हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रिज मेथड का इस्तेमाल करूँगा। ऊपर की तरफ 8 और नीचे की तरफ 11 ग्रिज में इस तरह से बनाऊँगा, और हर ग्रिड यहाँ पर मैं 1 इंच करके बनाया है। अगर आपको नहीं पता किस तरह से ग्रिड बनाते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वहां पे जाके आप एक बार जरूर देख लेना और सीख लेना। उसके बाद इस तरह का एक ग्रिड आप इस तरह से बना लेना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर बनाऊंगा आई से। जी हाँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल चुका होगा मैं हमेशा की तरह आई से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आई जो है वो हमारा फोकस पॉइंट होता है। तो जो ये पहला बॉक्स था, यहाँ पर हम आई बनाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से बनाऊंगा बस आपको फॉलो करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अपनी मन मर्जी से कुछ मत कीजिए। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा बस फॉलो कीजिए, आपको भी एक नीट एंड क्लीन परफेक्ट हर्षद मेहता का पोर्ट्रेट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अच्छे से देखो। अगर आपको सीखना है और नीट एंड क्लीन आपको आउटलाइन चाहिए तो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को अच्छे से देखो, आपको भी एक परफेक्ट आउटलाइन मिल जाएगा। दोनों आंख हम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे नाक। नाक के लिए मैं इन दो बॉक्स को इस्तेमाल करूंगा। पहले हम नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर बना लूंगा, ये आ गया नॉस्ट्रल्स। अभी हम बनाएंगे मस्टैश और जो लिप्स है, मतलब लिप्स तो है नहीं बस टीथ वगैरह है। तो मस्टैश हम यहाँ पर पहले बना लेंगे इस तरह से, छोटे छोटे लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे। ज़्यादा यहाँ पर हमको इतना डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ आउटलाइन है। अगर हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे तब हम यहाँ पर अच्छे से डिटेलिंग में हम शेडिंग करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर शेडिंग नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर आउटलाइन सिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इतना डिटेलिंग मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। अभी हम बनाएंगे कान। कान के लिए भी मैं यहाँ पर 3 बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा, DEF। जो ये 3 बॉक्स है यहाँ पर हम कान इस तरह से हम बना लेंगे। हेयर भी हम इस तरह से बना लेंगे। हमको बस अच्छे से जो रेफरेंस फोटो है उसको हमको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये रहा रेफरेंस फोटो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसको ही हम अच्छे से ऑब्जर्व करके हम पूरा ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। जितना हम ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होगा उतना ही हमारा ड्राइंग भी अच्छा होगा।
फेस का जो आउटलाइन है वो हमने बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका क्लॉट, जो सूट और टाई वगैरह है उसको हम यहाँ पर अच्छे से बना लेंगे। और इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से हर्षद मेहता मतलब प्रतीक गांधी का एक पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखा तो आपको जरूर इसी तरह का एक नीट एंड क्लीन आउटलाइन मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगे है प्लीज कॉमेंट करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।